talking exclusively to NNI's bjp spokesperson vijay sonkar shastri reacted to the letter sent by prasad bharti ceo jawahar Sirkar to prasad bharti board members that the shadow of government is leading to lack of credibility shastri said this is another example of upa government's dictatorship shastri said the upa government has always tried to impose authoritarian rule in the nation स्टेट interference इन in the affairs of media. पी यूपीए सरकार प्रारंभ से ही इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा जानी गई कि ये संवैधानिक संस्थाओं और स्वायत्त शासी संस्थाओं को किस तरह से अपनी मुट्ठी में लेकर के चल रहे हैं जहां सीबीआई तक को पिंजरे के तोता के रूप में जाना गया ऐसे में अगर प्रसार भारती जैसी संस्था जिसके सीईओ खुद ही ये कह रहे हों कि मंत्री द्वारा हमें स्वायत्त नहीं किया गया हमें आज़ादी नहीं दी जाती थी हमारे पावर को हमेशा दबाया गया है तो ऐसे में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जहां मीडिया को भी मुट्ठी में रखने की कोशिश की गई यह सब याद दिलाता है उस कार्यकाल को जब आ, आ, आ,

और जब जो हार जाता है तो वो तरह तरह के पहलुओं पर अपने को फिर से जीतने की कोशिश में लगता है ऐसे में बहुत सारी गलतियां होती हैं घबराहट और निराशा में लोग उल्टे सीधे काम करने लगते हैं और अब ये मान लेना चाहिए कि कम से कम कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है इसलिए ऐसे निम्न स्तर के कामों पर उतर गई है दिस रिपोर्ट वॉज ब्रॉट बाई एन एन आई एस